गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने कल के वीडियो को देखने के बाद मुझसे कहा कि सर, आपने ट्रेडमिल इफेक्ट के बारे में बताया तो सही, लेकिन ये नहीं बताया आपने कि बाहर कैसे निकले उससे। ठीक है, मैंने कुछ पोल किए थे कि क्या आप ट्रेडमिल इफेक्ट के शिकार है, क्या आपको भी ट्रेडमिल इफेक्ट लगता है, तो कई लोगों ने उसमें हाँ भी कहा। ठीक है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस कल किए थे, मैं कल था आपके साथ में जब ये वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा था तब। दरअसल आप में से कई लोगों ने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया कि सर, हम ट्रेडमिल इफेक्ट जो है कि हम एक ही जगह पर एक जैसा काम कर रहे हैं पर बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या तरीका है इसका। ठीक है, मतलब आपने तरीका नहीं बतलाया। मैंने तरीका बतलाया था पर आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज फिर से आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक मेरे पास एक बुक है, दीप त्रिवेदी की बुक है, बड़ी अच्छी, 101 सदाबहार कहानियां, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, तो इस बुक में मैंने एक कहानी पढ़ी कि आज के कई साल पहले, ठीक है ना, मतलब मानकर चलिए कि तकरीबन 50 साल पुरानी बात है। एक भारत में संत हुए, उनका नाम था संत राम नाम था उनका, और वो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लोगों को जो है वो शिक्षा ज्ञान दिया करते थे। कोई देखो, एक बार बता दूं मैं कि कोई भी संत होता है या जो सच्चा सच में जो संत है, जो समझता है अपने कर्तव्य को, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, चाहे वो संत हो, चाहे मौलवी हो, चाहे जो है वो अपना कोई फादर हो, जो भी हो, ठीक है, वे समाज को जोड़कर रखने की सही दिशा दिखाने वाली बात ही करेंगे। जो ऐसी बात नहीं करता है तो समझ लीजिए सिर्फ वो उस धर्म का प्रमुख हो सकता है, वो जिसको पॉलिटिकल पोस्ट भी कह सकते हो आप, समाज की दी गई उपाधि भी कह सकते हो, पर वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होना और किसी पद को हासिल करना दोनों में फर्क है। ठीक है, खैर हम उसमें डीप उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। तो पॉइंट ये था कि संतराम जो है वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, लोगों को सही राह दिखाया करते थे। तो उनके शिष्य जो है वो अपने इंडिया में तो थे ही सही, बाहर अमेरिका वगैरह तमाम कंट्री में भी थे। तो एक बार उनको न्योता मिला कि भाई आप अमेरिका आइए, यहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और इन इंडियंस को जो है सही राह दिखाइए, इनको भी एनलाइटन कीजिए। तो बहुत आग्रह के बाद संतराम अमेरिका पहुंचे। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ क्या था कि वो अपने कपड़े खुद सिलते थे, वो बैठे बैठे दिन में जब भी टाइम मिलेगा अपने कपड़े सिलेंगे वो। अब एक आदमी जो टेलर नहीं है, जिसको सिलना भी जो है वो केवल अपनी आवश्यकता बदन को ढकने के लिए कपड़े सिल रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो कपड़े उतने अच्छे तो होंगे नहीं, अजीबो गरीब टाइप के होंगे वो। खैर, उनकी अजीबो गरीब वेशभूषा से इंडिया में तो लोग ज्यादा कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में रहने वाले इंडियंस उन्हें रिसीव करने आए, अमेरिकन उन्होंने देखा तो बहुत मजाक उड़ाया उनका, ये कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं। ठीक है, बहुत मजाक उड़ा उनका, और उनके साथ जो यहां से शिष्य गए हुए थे उनको बड़ा बुरा लगे कि गुरुजी बड़ा मजाक उड़ रहा है। तो किसी ने हिम्मत कर जो है उनसे बोला, रात के समय की बात है, उनसे बोला कि गुरुजी एक बात करनी है। बोले बताओ बेटा क्या क्या बात है। ये जो कपड़े आप पहनकर आए हो ना, जो भारत से जो आपने खुद सिले हैं ना, मतलब आप अच्छे सिल लेते हो, लेकिन बड़ा मजाक बन रहा है इससे, आप अपना भारत का अमेरिका में अमेरिकन से मजाक उड़ा रहे। देखो इनके लीडर हैं ये, इनके धर्म गुरु हैं, इनके जो है वो ज्ञान ज्ञान का स्रोत है, कैसे कपड़े पहने। भाई अमेरिकन लोग थोड़े से अलग तरीके से होते हैं और थोड़े ब्लंट भी होते हैं, वो मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। तो साहब ऐसा है कि आप नए वस्त्र पहन लीजिए, नए कपड़े पहन लीजिए। हंसने लगे संतरा, फिर बोलते खुद से, वो सब बैठे हुए थे उनके खुद की तरफ आईने में देख के बोलते, संतराम तू अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, ज्ञानी समझता है, दुनिया तुझको ज्ञानी ज्ञानी बोलती है, और तू कितना मूर्ख है कि तू ऐसे कपड़े पहन के अमेरिका आ गया। और जोर जोर से हंसने लगे। तो शिष्यों को लगा कि यार इनका तो दिमाग का तार मार कुछ हिल गया है, कोई पेच वेच इनका हिल गया दिमाग का, जब खुद ही आईने से बात करके खुद पर हंस रहे हैं और रुके ना, बार बार हंसे खुद को देख देख के वो कि किसा मजाक उड़ रहा है ये, है ना, किसी ने दिखाया भी, सब अखबार में छपा है आपके बारे में कि मतलब अब क्या बताए। उन्होंने सीधा लिखा नहीं कि एक कार्टून आए हुए हैं भारत से, है ना, उन्होंने यही लिखा है कि विचित्र वेशभूषा में एक आदमी आया जिसको संत समझ रहे लोग, सब बड़ा मजाक बन रहा। तो खूब हंसे वो सुन सुन के, लोगों को लगा पगला गए। बाद में जब लोगों ने इनसे जब जो है सब मामला आया गया हो गया, थोड़े दो चार दिन बाद शिष्यों ने भारत लौट आए, पूछा उनसे कि साहब वो उस दिन आप इतने हंसे क्यों। बोले कि
क्या है, बोलना कि दो, हम सब में दो लोग हो, दो व्यक्ति होते हैं हम सब में। एक तो वो होता है जो हम समाज के सामने हैं। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा तो नाम भी नहीं था, किसी का भी नाम नहीं होता। जब जन्म होता है तो कोई बच्चे का नाम तक नहीं होता है, सिर्फ इंसान का एक बच्चा होता है। फिर माता पिता मिलकर उसका एक नाम रखते हैं, परिवार वाले मिलकर एक नाम रखते हैं, नामकरण संस्कार होता है, उस नाम से सब पुकारना शुरू करते हैं। फिर वही नाम किसी दिन बड़ा काम करता है और कोई नाम वो एक ब्रांड बन जाता है। भैया आज देखो तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी है ना, और हम बोले आपसे कि जितने भी बड़े लोग हैं कि वो सब अपने आप में उनका नाम एक ब्रांड बन चुका है। मोदी जी भी एक ब्रांड है, ठीक है, सोनिया गांधी भी एक ब्रांड है, सब ब्रांड है, उनके नाम है अपने अपने। तो पॉइंट इज दैट कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पास जो है नाम तक नहीं था। मुझे किसी ने संत नाम दिया, राम नाम मिला मुझे, मैंने फिर जो काम चुना तो मैं संत राम कहलाया, है ना। मेरे अपने विश्वास हैं, ठीक है, लोग मुझे एक अलग, लेकिन मैं अंदर, मेरे अंदर एक एक व्यक्ति और भी है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका जन्म हुआ था, वो बेनाम है। तुम अपने आप को किस नाम से पुकारोगे? तुमने कभी अपने आप से बोला है कि मेरा नाम, अपने आप को अपने नाम से पुकारा है? जैसे पानी पीना हो, खुद को बोला हो, यही बोलते हो ना कि मन में सोचते हो उठकर पानी पी लेना है, थोड़े ना बोलते हो गीते चलो अब खाने का वक्त हो गया है, हाउ आता हूं खाने के लिए, गीतेन सुनो उठो और ये वीडियो बंद करो, नहीं ना, ठीक है, खुद को नाम नहीं देते, पुकारते नहीं खुद को, क्योंकि नाम तो दूसरों के लिए होता है। तो वही कहते हैं कि क्या होता है, आदमी अपने अंदर जो बेनाम है, जिस व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, उससे कभी बात ही नहीं करता, उसको कभी सुनता भी नहीं है, और वो सबसे ईमानदार है, वो सबसे ईमानदार है। जब तुम ट्रेडमिल इफेक्ट के शिकार होते हो तो तुम्हें पता करना हो कि तुमने गलती यहां क्या की है, तो अंदर वाले बेनाम शख्स से बोलो कि तुमको बताए वो कि बंटी भैया तुम ये नहीं कर रहे हो, गड़बड़, तुम फिजिक्स की किताब खोलते हो, खोलते के साथ तुम जो है किताब को जो है देखते हो, एक क्वेश्चन करते हो उसका, और जब नहीं बनता है तो किताब को मोड़ते हो, फोल्ड करते हो, सिर के नीचे रखते हो, और 1 घंटा बेहतरीन वाली नींद आती है। कोई स्लीपिंग पिल से ऐसी नींद नहीं आ सकती है, कोई दवा से इतनी अच्छी नींद नहीं आ सकती है, कोई लोरी सुनाए उससे भी नींद अच्छी नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई सिर को सहलाए उससे भी नींद अच्छी नहीं आएगी, बस फिजिक्स की किताब मिल जाए सिर के नीचे रखने के लिए, आ क्या ज्ञान का प्रसार हो रहा है, बुक से सीधा जो है वो नॉलेज ब्रेन में सीधा डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है। तो बंटी भैया ऐसा मत करा करो, फिर बंटी भैया बोलेंगे हम ऐसा नहीं करते, अच्छा परसों कौन कर रहा था ये, बोल 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 के बात कर रहे हैं काम, पिताजी समझे कि गीतन सर ने तो हमारे बच्चों को पागल कर दिया, कि वो बच्चे आपस में अपने अपने आप से बात करने लगे हो, दुनिया तो पागल समझती है। पॉइंट इज दैट कि हम अपने अंदर की बात बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, हम दूसरों के दिए गए नाम को बढ़ाने में लगे होते हैं, दूसरों के दिए गए, कि दूसरों ने बोला ऐसे कपड़े पहनो, जब जन्म हुआ तो कौन से कपड़े पहने थे बताओ, ठीक है, ऐसे पहनोगे तो अच्छा, एक कोट पैंट सूट पहनोगे तो आदर्श दिखोगे, ऐसा पहनोगे तो ऐसे दिखोगे, के तो किसी व्यक्ति को वस्त्र से जज करना, कपड़ों से जज करना, मैंने भी कई बार, मैं सब, अब चूंकि अपन लोग एक ही समाज में रहते हैं ना, तो कई बार सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग भी वैसे ही जज कर लेते हैं जो कि गलत है। ऐसी कोई परिचित थे, कभी बहुत पुरानी बात नहीं है, वो मिलने आए, किसी ने बताया कि इनका, इनके इंडिया में कई सारे एमआरआई मशीन, ये बड़े बड़े काम है इनके पास में, देखकर लगा ऐसा क्या, ये आदमी को देख के लगता ही नहीं ना कि इसके पास इतना बड़ा काम होगा, लेकिन जब उससे बात किया, 10-15 मिनट बात किया, समझा उसको, उसकी नॉलेज को देखा, लगा यार ये तो सच में बहुत बड़ा आदमी है भाई, 200-200 करोड़ का आदमी है वो आदमी तो, ठीक है। तो किसी को देखकर आप जज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, आपको छोटे शहरों में, मेरठ में, बरेली में, और आपको जो है कई ऐसे शहरों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्कूटर पे घूम रहे होंगे पर होंगे करोड़पति, बड़े शहरों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, जो लोन पर ली गई होगी, अच्छे फ्लैट पर रह रहे होंगे जो लोन पर लिया होगा, पूरी जिंदगी लोन में है, और ज्यादा लोन हो गया तो भाग कर इंग्लैंड पहुंच गए, समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ज्यादा लोन हो गया तो भाग के फॉरेन चले गए, इंडियन गवर्नमेंट ढूंढ ही नहीं पा रही, ठीक है, लगी हुई है कि पकड़ के लाएंगे यहां से। तो जितने भी तुमको जो दिखाई पड़ते हैं ना, जो लोग बहुत बहुत भयंकर, वो सब लोग जो है गड्ढे में होते हो, ठीक है। कल मुझे मैंने अभी, चूंकि हम लोग है ना कुछ कुछ स्टाफ रिक्रूट कर रहे, तो कुछ स्टाफ मुझे मिला जो एक कोई क्लास थी, मतलब मुझे भूल रहा हूँ, शायद टॉपर नाम था क्या था उसको, वाइजूस नाम की क्लास ने एक्वायर किया, फिर उसके पूरे स्टाफ को निकाल दिया उन लोगों ने है ना, और कुछ
उनको पहले बोला क्या कि तुम आ जाओगे तुमको ये फायदा मिलेगा, पूरे को निकाल देगा, तमाम चीजें, वो तो खैर मार्केट का अपना प्लान है उन लोग का। तो सब ये हजार हजार करोड़ के लॉस, 2,000 करोड़ का लॉस इस साल, 2,500 करोड़ का लॉस कैसे? तो ये जो दिखता है ना, तो मैं कहता हूँ कि एक आदमी जिसको आप देख रहे हो ना शहर के आसपास, हो सकता है वो ज्यादा अप आदमी हो, ज्यादा बेहतर कर रहा हो। तो कभी वस्त्र को देखकर, किसी ऐसे स्यूडो क्यूरेट के नाम को देखकर बहुत इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर क्या है। यदि हम ट्रेडमिल इफेक्ट का शिकार है तो हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं आपसे, जब एग्जाम हुआ नीट 2022 का, तो मैंने बच्चों से बोला कि 4-5-6 दिन पेपर रख देना और सोचना कि तुम क्या करके आए थे, कितने ईमानदार थे अपने आप से। तुम क्या करोगे, पहला दोष तुम उठाओगे किस पर कि यार मेरे को है ना कोटा की जमीन पर जाकर सिर नवाने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं जो है वो जैसे अपना जो है वो तीर्थ स्थल होते हैं कि साहब आप कोटा में जाके आपने नाक नहीं रगड़ी ना जमीन पर, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। साहब मैं तो पिताजी को बोल दिया साहब कि पिताजी आपके कारण आपने पैसे नहीं दिए ना, मेरे दोस्तों का हो गया और वो जो है आपने मुझे जन। अब कौन तुम्हें बतलाए कि सिलेक्शन का होना ना होना सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा था, सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी से पढ़ाई करने पे। वही 4 ठोक किताबें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ते नहीं हो और तमाम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तमाम तरह का इंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और बोलते हो कि साहब कैसा हो गया। क्योंकि सच्चा इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा, आप स्वयं करोगे। तीसरे आदमी को तो आप कहानी सुना दोगे, मैं कुछ बोलूंगा मुझे एक कहानी पकड़ा दोगे, दूसरा कोई बोलेगा उसे एक कहानी पकड़ा दोगे, पर खुद को कैसे पकड़ाओगे बताओ। तो ट्रेडमिल इफेक्ट से बाहर निकलने का तरीका है इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, है ना। सफलता के कड़वी बात, खरी बात, सच्ची बात, सीधी बात, नो बकवास। कौन किसका ऐड था बताना जरूर के, अरे मेंटोस, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास, बहुत बढ़िया ऐड है, बहुत ही बढ़िया विज्ञापन है, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।